हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक और वीडियो पे मेरे चैनल लखनऊ पेट जोन में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सनलाइट के इम्पोर्टेंस के बारे में कि क्यों सनलाइट इम्पोर्टेंट है और ऐसी सनलाइट आपकी बर्ड्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, और अगर आपकी बर्ड्स को सनलाइट ना मिल रही हो तो उससे आपकी बर्ड्स को क्या दिक्कत हो सकती है, और अगर आप फ्लैट या अपार्टमेंट में रहते हैं तो अपनी बर्ड को जो है कैसे जो है सनलाइट के अगर सनलाइट नहीं मिल रही है तो उस डेफिशिएंसी को कैसे दूर किया जाए। तो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बात करते हैं सनलाइट की गाइस। तो देखिए, सनलाइट जो है जितने भी लिविंग यहाँ धरती पे जितने भी जो है एनिमल्स है, प्लांट्स है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इनकी जो एनर्जी का सोर्स है कहीं ना कहीं से सनलाइट है। तो सनलाइट जो है सभी लिविंग बींग्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनके फूड प्रिपरेशन के लिए, एनर्जी के लिए। रही बात गाइस सनलाइट बर्ड्स के लिए, तो देखिए अगर आपकी बर्ड्स को जो है प्रॉपर सनलाइट अगर मिलता है तो सबसे अहम चीज होती है गाइस, देखिए अगर आपकी बर्ड को सनलाइट मिल रहा है तो बर्ड की जो बॉडी में विटामिन डी होती है वो एक्टिवेट हो जाती है, और उससे जो गाइस आपकी बर्ड जो है जो कैल्शियम उसकी बॉडी में या कैल्शियम सप्लीमेंट देते हैं तभी उसकी बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब हो पाता है। अगर बॉडी के अंदर जो विटामिन डी है वो एक्टिवेट नहीं हो पाता है तो कैल्शियम आप जितना भी कैल्शियम अपनी बर्ड को दे दें, कैल्शियम सप्लीमेंट्स दे दें, अगर विटामिन डी एक्टिवेट नहीं कर रहे हैं अपनी बॉडी बर्ड की बॉडी का तो वो बर्ड की बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता। तो इसके लिए गाइस सनलाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। दूसरी चीज गाइस, देखिए सनलाइट जो है जब आपकी बर्ड की बॉडी में पड़ता है तो एक तरह से देखा जाए छोटे मोटे जो बैक्टीरिया वर्म्स होते हैं ये सब कीड़े मकोड़े जो है ये सब साफ हो जाते हैं सनलाइट से। और देखा जाए गाइस तो सनलाइट जो है एक तरह से नेचुरल जो क्लीनिंग एजेंट का काम करता है। आपके सेटअप में जो छोटे मोटे बैक्टीरिया इन्फेक्शन होते हैं अगर आपके जो है केज या सेटअप में सनलाइट रेगुलरली पड़ती है तो ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो सनलाइट आपकी बर्ड्स की जो साफ सफाई रखता है, सनलाइट से आपकी बर्ड्स की जो है एक्सटर्नल कंडीशन जो होती है जैसे उनके फेदर्स है, बोन्स है, वो काफी अच्छे रहते हैं। आपका बर्ड का जो हेल्थ जो है अच्छा रहता है, लेग्स की कंडीशन अच्छी रहती है। देखा जाए तो अगर मोटे मोटे तौर पर जो अगर सनलाइट नहीं आपकी बर्ड को प्रॉपर मात्रा में मिल पाती है तो उसके बॉडी के अंदर का जो विटामिन डी है वो एक्टिवेट नहीं हो पाता है, और अगर एक्टिवेट नहीं होगा तो उससे जो है कैल्शियम से रिलेटेड काफी डिफिशियंसी होगी। कैल्शियम कितना भी देंगे आपकी बॉडी को फायदा नहीं करेगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप फ्लैट में रहते हैं, अपार्टमेंट में रहते हैं, ऐसी जगह आपका सेटअप है जहां सनलाइट नहीं पहुंचती है तो उसके लिए क्या किया जाए। तो दोस्तों देखिए, अगर आपकी बर्ड या आपका सेटअप जो ऐसे लोकेशन पे है जहां सनलाइट नहीं पहुंचती है तो गाइस उसके लिए सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गाइस कि आप अपने बर्ड को जो है विटामिन डी या विटामिन डी थ्री जो आता है सप्लीमेंट वो जरूर उसको वीकली एक बार दिया करें, या तो जब भी आप अपने बर्ड को कैल्शियम दे तो उसमें इतना इंश्योर कर ले कि जो कैल्शियम आप अपनी बर्ड को दे रहे हैं उसमें विटामिन डी थ्री हो। इससे होता क्या गाइस कि जो एक्सटर्नल सोर्स जैसे आप कई दवाइयां हैं, एक डी थ्री मस्ट आता है या विटामिन या जो कैल्शियम सप्लीमेंट्स है उसमें विटामिन डी थ्री होता है, तो ये आपकी बर्ड की बॉडी के अंदर जो विटामिन डी होता है उसको एक्टिवेट करता है। उसको एक्टिवेट करने से ये होता है गाइस कि आप अपनी बर्ड को जो भी कैल्शियम या सप्लीमेंट्स देते हैं तब जाके आपकी बर्ड की बॉडी उन कैल्शियम या उन सप्लीमेंट को अब्सॉर्ब करती है, नहीं तो उसके अगर विटामिन डी एक्टिवेट नहीं है गाइस तो होता क्या है, बर्ड आपकी जो है जो बर्ड की बोन्स होती है उसमें से कैल्शियम जो है बर्ड अब्सॉर्ब करती है, और उससे हड्डियां आपकी बर्ड की हड्डियां विंग्स हो गए, उसके बाद पैर हो गए, कमजोर हो जाते हैं, और धीरे धीरे देखेंगे तो पैर टेढ़े होने लगते हैं। इसीलिए गाइस आप अपनी बर्ड्स को जो है वीकली कम से कम एक बार जो है विटामिन डी थ्री का सप्लीमेंट जो है अपनी बर्ड्स को रेगुलर देते रहे। अगर आप अपनी बर्ड को सनलाइट में एक्सपोज नहीं कर पा रहे हैं, सनलाइट उनको नहीं दे पा रहे तो उसकी कमी पूरा करने के लिए गाइस अपनी बर्ड को जो है वीकली कम से कम एक बार जो है विटामिन डी थ्री सप्लीमेंट जो है जरूर दिया करें। होप गाइस आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, और इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो या कोई जानकारी आप जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट जरूर कीजिए, और मैं ट्राई करूंगा आपकी जो भी क्वेरीज हो उसको जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करने के लिए। थैंक यू गाइस।